स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हियर इज द सेकेंड पार्ट ऑफ लेसन थर्ड। लेसन थर्ड का ये जो है मैं सेकेंड पार्ट आपको बताने जा रहा हूँ। दिस इज द अबाउट द प्लास्टिक। ये जो है किसके बारे में है? प्लास्टिक के बारे में है। तो प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक इज ए सिंथेटिक मटेरियल विच कैन बी मोल्डेड इन टू डेजर्ट्स। जिसको हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। प्लास्टिक एक ऐसा सिंथेटिक मटेरियल है जिसको हम अपने डिजायर्ड शेप में मोल्ड कर सकते हैं। एंड हियर इज द सम प्रेजेंट दिया है केमिकल्स। इनको देखिए, पॉली प्लस एथीन मिलकर पॉलीथीन बनता है। पॉलीथीन आप यूज करते हैं फर्नी जिसमें आप लाते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी पाइप का यूज होता है। जैसे जब हम हैंडपम्प की जो पाइप्स होती है दैट इज पीवीसी पाइप, आप मार्केट में अवेलेबल है। बेकेलाइट एंड मेलामाइन और टेफ्लॉन। बेकेलाइट का भी आप लोग यूज जानते हैं, काम करते हैं। ये जो है बहुत टफ प्लास्टिक होता है। इट इज अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और ये जो है जैसे जो कुकर में जो हैंडल्स वगैरह होते हैं दैट इज मेड ऑफ बेकेलाइट। मेलामाइन इज आल्सो अ काइंड ऑफ प्लास्टिक। इट कैन आल्सो टॉलरेट हीट बेटर देन प्लास्टिक्स। एंड मेलामाइन इसका यूज भी जो कि देखिए जहाँ पे जैसे हीट कुक्स फूड और माइक्रोवेव्स जो वेवन होते हैं वहाँ पे किया जाता है इसका यूज। टेफ्लॉन क्या है? इस चीज आल्सो और स्पेशल प्लास्टिक। ये भी जो है एक स्पेशल प्लास्टिक होता है टेफ्लॉन। इज आल्सो स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच वाटर डू नॉट स्टिक। इस पर भी वाटर जो है चिपकता नहीं है। तो आयरन एंड वाटर डू नॉट स्टिक ऑन गिविंग नॉन स्टिक कोटिंग द कुक वेयर्स। इस पर अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक की। तो अब हम जैसा जानते हैं वी कैन नॉट लिव विदाउट प्लास्टिक्स बिकॉज प्लास्टिक्स नाउ अडेज। आज के समय में प्लास्टिक जो है कि हमारी हम वॉट वी यू इन अवर एट अवर हाउस वी कैन सी एवरीवेयर वी यूज प्लास्टिक्स। सो स्टूडेंट्स टाइप ऑफ प्लास्टिक की बात करें थर्मो प्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। वॉट इज द मेजर डिस्टिंग डिफरेंस? थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक को दिस कैन नॉट बी मोल्डेड विद अगेन। जिसको हम दोबारा नहीं मोल्ड कर सकते हैं। इसको एक बार मोल्ड कर दिए वन उसके बाद दोबारा नहीं। दैट इज व्हाई थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन बी रीयूज। इसको जो है रीयूज किया जा सकता है। इसका देखिए दिया है फॉर्म टायर रेनकोट प्लास्टिक बैग ईटीसी। बेकेलाइट में देखिए और मेलामाइन्स ये भी दिए हैं जिनका हम बार बार दोबारा यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट हियर इज द सम यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। सो स्टूडेंट यू शुड माइंड एंड माइंड दिस। प्लास्टिक इज ए केमिकली अनरिएक्टिव। इट डज नॉट रिएक्ट टू एनी केमिकल्स। सेकंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। एंड थर्ड है मोल्डेड इन टू डेजर्ट शेप। इसको जो है अपने मनचाहे शेप में मोल्ड कर सकते हैं। प्लास्टिक्स आर क्वाइट चीप एंड इजली मेड। प्लास्टिक्स जो होते हैं बहुत ही चीप होते हैं, सस्ते होते हैं और जिसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इट इज वेरी लाइट, बहुत हल्के, स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत, ड्यूरेबल, मतलब बहुत लंबे अवधि तक चलने वाले होते हैं। हियर इज टू अनदर टॉपिक्स टू अनदर टर्म्स बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मीन्स सच मटेरियल विच कैन डीकम्पोज इन टू अर्थ विच कैन बी डीकम्पोज इन सॉइल इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल। ऐसा मटेरियल जो मिट्टी में डीकम्पोज हो जाए, मतलब बैक्टीरिया उसको डीकम्पोज करके मिट्टी में बना दे, दैट इज सच मटेरियल इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल आर सच मटेरियल्स विच कैन नॉट बी डीकम्पोज इन
square. Generally, most plastics are non-biodegradable materials. So, our government also made effort to less use of plastics. Student, now I want to message you about the plastic, about the environment and related to terms plastics. So student, try to understand the terms of plastics. Plastics damage our environment. Student, here is the question, how you can ask me question, how sir plastic damage our environment. So student, as I told you here, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, इट कैन नॉट डीकम्पोज, सो इट कैन नॉट मिक्स विद सॉल्ट्स एंड सो व्हेन प्लास्टिक्स सच मटेरियल्स विच इज मेड ऑफ प्लास्टिक्स रीच इन द फील्ड्स दे डैमेज अवर फील्ड्स देयर इज नथिंग ग्रो एंड अवर फर्टाइल लैंड्स कैन बी बैरन, हमारी जो फर्टाइल लैंड्स हैं उसको बैरन हो सकती है और इसलिए प्लास्टिक्स का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे पर्यावरण पर. प्लास्टिक से जो बहुत ही हार्मफुल, इफ वी बर्न प्लास्टिक्स देन मैनी हार्मफुल गैसेस रेसिड्यूज निकलती हैं दैट डैमेज अवर एनवायरमेंट. सो स्टूडेंट्स, if you want to use plastics, you must be more careful for this. Thank you very much. Good day. Thank you.